জল্পনা সত্যি করে বিজেপিতে ফিরলেন অর্জুন সিং। একই সঙ্গে বিজেপিতে এলেন দিব্যেন্দু অধিকারী। বিজেপিতে ফিরলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। এর আগে টিকিট না পেয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি, পরে আবার তৃণমূলে যোগদান করেন। আবার পুনরায় তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন অর্জুন সিং। যোগদানের পর কি বললেন অর্জুন সিং দেখুন। শ্রী দুষ্যন্ত গৌতমজি কা আভার প্রকট করতা হুম, কৃষ কুমারজি কা আভার প্রকট করতা হুম, অমিত মালবিয়াজি কা আভার প্রকট করতা হুম, হমারে সঞ্জয় ময়ূখজি हमारे भाई उनका भी आभार प्रकट करता हूं। हमारे साथ दिव्येंदु हमारे छोटे भाई हैं, वो और मैं आज दोनों आदमी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के को अभिनंदन है मेरा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पूरे दुनिया में जो एक बलिष्ठ नेतृत्व जो सामने आया, हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, पूरे देश के अंदर जिस तरह से देश को मजबूत बनाने के लिए जो कार्य है, सभी कार्यों को सामने रखते हुए उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं बीच में 19 में जब सांसद हुआ था, उसके बाद 21 साल में 2021 में जिस तरह से पोस्टफुल वायलेंस के बाद पूरे बंगाल में जिस तरह से अत्याचार, जुल्म, गुंडागर्दी, राहजनी, हजारों कार्यकर्ताओं की नौकरी जिस तरह से चली गई, 50 से ऊपर लोगों की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वहां सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई, उस पोस्टपोल वायलेंस में हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक लोगों को झेलना पड़ा, और उसी अत्याचार के तहत अपने ऊपर तो अत्याचार हुआ, उसको मैं किसी भी तरह से झेल रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कुछ दिन तक मुझे थोड़े से समय के लिए पार्टी से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। कार्यकर्ता जिस तरह से मारे जा रहे थे, हत्या हुई थी, और बहुत मुश्किल से उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था हमारी पार्टी भी कर रही थी, और थोड़े बहुत सामर्थ्य में मैं भी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ये देखा कि सरकारी तृणमूल पार्टी जो पश्चिम बंगाल की है, जो तृणमूल की सरकार जो वहां है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार करके शासन में बने रहना चाहती है, और उसका ताजा नमूना हम लोगों ने संदेश खाली में देखा। आपको मैं बताऊं, एक संदेश खाली नहीं, पूरा बॉर्डर इलाका से लेकर पूरे बंगाल का हर विधानसभा कहीं ना कहीं संदेश खाली की तरह वहां के लोग जी रहे हैं। माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप प्रतिबात नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बोल नहीं सकते हैं, आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी, आपका कोई कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा। इस तरह का अत्याचार शायद ही दुनिया में, भारतवर्ष में तो छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के परिवार को जो नेतृत्व है, उनको मैं अभिनंदन करता हूं कि मैं जो थोड़े समय के लिए मैं सक्रियता मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, उसके बावजूद भी मैं जब संदेश खाली की घटना के बाद बहुत उत्तेजित होने के कारण मैं जब पार्टी से संपर्क किया कि इस तरह से चुपचाप बैठा नहीं जा सकता है, हमारे लिए हम प्रतिवाद भी नहीं कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं, हम फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देना चाहते हैं, अगर आपका आशीर्वाद रहे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष को आगे ले जा रहे हैं, बंगाल में अगर इस कुशासन से मुक्ति पाना है तो एकमात्र रास्ता है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो जितना मजबूती से इस पश्चिम बंगाल को बचाने कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले दिन में उन्हीं के हाथ से ये बंगाल का उद्धार भी होगा और इस अत्याचारी शासन का अंत भी होगा, जहां प्रशासन और गुंडे एक साथ मिलकर अपराध को अंजाम देते हैं
और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरे दुनिया के लोगों ने संदेश खाली की घटनाओं को देखा, वहां के हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनों ने जिस तरह से प्रतिवाद किया, वहां के साधारण लोगों ने जो प्रतिवाद किया, उसी के कारण पूरी दुनिया जानी। और सबसे बड़ा और एक कारण, बंगाल के हमारे जो मतुआ भाई हैं, हमारे जो नमोसुद्रो भाई हैं, जिनको सीए का जो कानून लागू हो गया, उससे पूरे क्षेत्र में एक उनको रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं, वो आज रिफ्यूजी नहीं है। इन तमाम बातों को हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बदौलत ये संभव हुआ है, जिसका प्रतिवाद आप जानते हैं वहां की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर करती हैं, उनको बरगलाया जाता है, उनको झूठ कहा जाता है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जब हम लोगों ने महसूस किया कि इस शासन को अंत होने में एकमात्र एक ही नेतृत्व सफल हुए, जो है नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं फिर से शामिल हुआ। और आभार व्यक्त करता हूं हमारे तमाम नेताओं को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ मिलकर बंगाल की जनता की मुक्ति के लिए जो लड़ाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस लड़ाई को हमारी पार्टी कर रही है। उस लड़ाई में छोटा सा भी अगर भी सहयोग मैं दे सकूं तो अपने आप अपने जीवन को मैं धन्य महसूस करूंगा। धन्यवाद।